बात करते हैं जी कंपैरिजन ऑफ मिक्सचर और कंपाउंड के हवाले से। हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि मिक्सचर हमारे पास हो और कंपाउंड हो तो उन दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए मैं इस तरफ जो है हम ऐसा करते हैं कि कंपाउंड लिख लेते हैं और इसका कंपैरिजन करेंगे हम साथ में किसके साथ जी मिक्सचर के साथ। ठीक है, तो कंपाउंड के लिए जिस तरह हमने कहा था कि ये एक सब्सटेंस था, ठीक, और जो है एक दूसरे के साथ हमारे पास एलिमेंट्स जो है कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड हमने यहाँ पर लिख दिया और इस तरफ जी हम चले मिक्सचर लिख लेते हैं। ठीक, और इसमें कंपाउंड में जैसे एग्जांपल हमने अच्छा कौन कौन सी दी थी, सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि इनमें कॉम्बिनेशन क्या बनता है जी, केमिकल कॉम्बिनेशन, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हमारे पास होंगे जो जो भी इसमें मौजूद होते हैं कंपाउंड के अंदर, वो आपस में किस तरह से कंबाइन करेंगे जी, केमिकली कंबाइन करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ इतना मजबूत ताल्लुक बनाएंगे कि वो उनके दरमियान क्या कहलाता है जी, बॉन्ड कहलाता है। तो जिसको हमने नाम दे दिया था केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल अच्छा हम क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वाटर की ले सकते हैं। चले हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए ना इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमने जिस तरह पहले भी बात की थी कि H2 हमारे पास अगर गैस की फॉर्म में हो और ऑक्सीजन हमारे पास गैस की फॉर्म में हो, इन दोनों को हम क्या करना चाह रहे हैं जी, केमिकली कंबाइन करते हैं। और क्या होता है, हम यहाँ पर कोई कंडीशन देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक के लिए मैं ये लिख देती हूँ, ये हमने साइन बना दी केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, यानी कि बिजली का झटका देते हैं और क्या बन जाता है इसके नतीजे में, H2O। अब ये जो H2O बना है हमारे पास, ये क्या है जी, ये हमारे पास कंपाउंड है। और इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरह से आपको नजर आता है, एक एट जो है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन भी अपने इसके साथ शेयर कर रहा होता है, इसी तरह से ऑक्सीजन फिर नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन के साथ जो इधर अटैच होता है उसके साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा होता है और हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करके दे देता है। ठीक है, कुछ देर के लिए इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और कुछ देर के लिए इसके ऑर्बिट में, तो इनके दरम्यान एक बहुत ही मजबूत सा ताल्लुक जो है वो बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन इनके दरम्यान में हमने देख लिया। अब मिक्सचर में क्या होता है, जिस तरह हमने एग्जाम्पल ली थी कि जी इसमें कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये सिंपल किससे होते हैं जी, सिंपल मिक्सिंग से आपको मिल जाते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिंपल मिक्सिंग अगर हम करें किसी भी चीज की, चलें फ्रूट हमने बहुत सारा काट लिया और उनको मिक्स कर दिया, या इसी तरह से हम चलें पानी ले लेते हैं, ठीक है, एक बीकर में, और उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, कुछ कोल जो है डाल देते हैं कार्बन के, कुछ ये H2O मैंने ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अब ये हमने क्या ले लिया है, H2O कंपाउंड ले लिया, और इसके अंदर मैं क्या डाल देती हूँ, एक एलिमेंट डाल देती हूँ जो कि क्या है, कोल है, या फिर कार्बन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको बीच में डाल देंगे तो ये क्या बन गया जी, इसकी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, या हम ये नहीं कह देते कि कोल और जो वाटर है वो आपस में केमिकली कंबाइन हुआ, नहीं, कभी भी नहीं, तो इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बनता, तो इसलिए हम कहते हैं ये सिंपल मिक्सिंग से हमें पता चल गया। तो ये है इसके दरमियान पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या है जी, हम कहते हैं जब आपके पास कंपाउंड बन जाता है तो उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, वो लूज कर देगा, यानी कि अगर जो वाटर आपके पास बन गया है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी इस ऑक्सीजन से और इस हाइड्रोजन से, क्योंकि ये गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में, और ये जो वाटर बनता है ये हमारे पास जी किस फॉर्म में बन जाता है, ये लिक्विड बन जाता है। तो हम क्या कहते हैं, इसकी आइडेंटिटी पेरेंट कंपोनेंट से, ये जो दो कंपोनेंट हमने लिए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या हैं जी, कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये दोनों इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो होंगी या इन दोनों की खसूसियात इस पानी से मुख्तलिफ होंगी, तो आइडेंटिटी जो नए वाले कंपाउंड की होती है, जो नया हमारे पास चीज बनती है, उसकी लॉस हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रहती है, यानी कि उसकी खसूसियात पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वाटर जो है वो वाटर ही रहेगा, अगर कोयला उसमें डाल भी दिया है तो वाटर की केमिकल कॉम्पोजिशन या उसको उसके ऊपर केमिकली कोई चेंज नहीं आएगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर एक और अटैच हो जाए या यहाँ पर कोल कहीं से अटैच हो गया बीच में, नहीं। तो आइडेंटिटी इसकी क्या रहती है जी, वही रहती है, सेम रहती है, और कोयला भी वही रहता है जो पहले था, यानी कि वो चेंज नहीं हो जाएगा, वो नमक नहीं बन जाएगा, बल्कि क्या होता है, हम कहते हैं उसकी आइडेंटिटी वही रही या उसकी प्रॉपर्टीज वही रही, तो रिटेन हो जाती।
अब उसके बाद जो हम इसकी फर्क की बात करेंगे, जो इनके दरमियान डिफरेंस है, हम कहते हैं कंपाउंड में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। किस तरह जैसी फिक्स्ड होती है, हम कहते हैं H2O कहीं भी हम लेंगे तो उसकी क्या होगी कंपोजिशन, उसके दरमियान रेशो क्या होगी, या हम कहते हैं कि उनके दरमियान जो निस्बत होगी वो हमेशा क्या रहेगी, वो फिक्स रहेगी। जैसे H2O मैंने लिखा तो इसमें क्या होगा, कहीं से भी पानी आप लेंगे प्योर हुआ हुआ, तो उसमें दो हाइड्रोजन ही होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, तो इनके दरमियान कॉम्पोजिशन क्या है, 2:1। लेकिन इसमें अगर हम देखें जो कि आपके पास क्या है मिक्सचर, तो इसमें हमें कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं मिलती, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होगी है। तो हम लिख देते हैं सॉरी, डू नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, यानी कि ऊपर नीचे इनकी कॉम्पोजिशन जो है वो फर्क हो जाती है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो बिल्कुल ही कोयला होगा और यहाँ पर देखेंगे तो पानी होगा, तो इनकी कॉम्पोजिशन एक सी तो ना हुई, ये मुख्तलिफ है। और कहीं और हम मिक्स करना चाहें तो हो सकता है कोयला ज्यादा डल जाए और पानी कम डले, तो उनकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती। इसके बाद हम कहते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते उनके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, या हम कहते हैं कि उनके कंपाउंड्स को सॉरी उनके जो अंदर हमने कंपोनेंट्स डाले हुए हैं, जैसे H2O हमने ले लिया, तो इसको कभी भी हम H में और ऑक्सीजन में आम हालात के ऊपर सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि हमें बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, 3000-5000 डिग्री सी टेम्परेचर देना पड़ेगा तो जाके H2 और O2 में कन्वर्ट होगे। वैसे अगर हम कमरे में ही इसको हीटअप करें तो ये सेपरेट नहीं होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड लिख दें चलें, ताकि हमें याद रहे कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें मिक्सचर की, तो इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो कैसे कि हाथ डालें और कोयले को वन बाय वन हैंड पिकिंग मेथड से ही हम क्या कर सकते हैं, उसको लैदा लैदा कर सकते हैं कि कोयला एक उठा लिया, दूसरा उठा लिया, तीसरा उठा लिया, और इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं कह देती हूँ यहाँ पर कि हम इसको कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्क ये पता चल गया कि किस तरह से मिक्सचर जो है वो कंपाउंड से मुख्तलिफ है, और एक हमने एग्जाम्पल ये ले ली है और इसके हवाले से हमने सारी खसूसियात हमने देख ली कि किस किस तरह से कंपाउंड मिक्सचर से मुख्तलिफ है।